कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें रात 11 बजे से कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। स्थानीय प्रशासन रात्रि कर्फ्यू को लेकर मुस्तैद हो गया है और दुकानों को बंद करा दिया गया है। रात 11 बज रहे हैं और मैं इस वक्त बस्ती शहर के गांधीनगर इस बाजार में खड़ा हूँ, जो दिन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी चहल पहल होती है और यहाँ काफ़ी व्यस्त ये इलाका है, लेकिन रात 11 बजे आप देख सकते हैं कि दुकानदारों ने समय से अपनी दुकानों को बंद कर दिया है। जिला प्रशासन ने भी अल्टीमेटम दिया था कि 11 बजे तक दुकानों को बंद कर दिया जाए, बाकायदा इसके लिए अनाउंस भी किए जा रहे थे। और आप देख सकते हैं कि कुछ बहुत ही ज़रूरी कामों से ही लोग बाहर निकल रहे हैं, इक्का दुक्का लोग ही सड़क पर दिख रहे हैं। लेकिन अगर स्थानीय प्रशासन की बात की जाए, पुलिस प्रशासन की बात की जाए, तो हम काफ़ी देर से इन सड़कों पर देख घूम रहे हैं, लेकिन हमें एक भी पुलिस वाला नज़र नहीं आया है। लेकिन जो ज़रूरतमंद है, जिनको बहुत ज़रूरी है, वही अपने घरों से निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा मार्केट सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। तो एक दो लोग आप सड़कों पे देख सकते हैं, या एक दो जो वाहन है वो देख सकते हैं, वही अपने इन सड़कों पे दिख रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये वाहन है जो बहुत ज़रूरी कामों से ही ये लोग निकले होंगे और अपने घरों को जा रहे हैं, अपने अपने गंतव्य तक जा रहे हैं। और कुछ लोगों का भी इस बात की जानकारी भी नहीं है कि ओमिक्रॉन का तीसरा वेरिएंट अब देश में दस्तक दे चुका है, और इसको लेकर रात में 11 बजे से रात्रि कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है। तो इसको लेकर अभी जागरूकता की ज़रूरत है, और जिला प्रशासन अब जागरूक भी लोगों को कर रहा है, बाकायदा अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं। देखिए, कुछ लोग आ रहे हैं, हम बात करने का प्रयास करते हैं। ये कुछ लोग हैं, हम इनसे पूछेंगे। भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं इतनी रात में आप निकले हैं? कोरोना का तीसरा वेरिएंट आ गया है ओमिक्रॉन, इसको लेकर सरकार ने रात में 11 बजे से रात कर्फ्यू लगा दिया है, तो आप कहाँ निकले हैं, कहाँ जा रहे हैं? अब भैया, यहाँ से हम गए थे रोडवेज, परमात्मा शुक्ला गाड़ी चलाते हैं, ठीक, गाड़ी खड़ा करके तुरंत जा रहे हैं कमरे पे। अच्छा, आपको ये पता था कि रात में अब घरों से निकलने पे पाबंदी लगा दिया है सरकार ने रात में 11 बजे? हम आए रोडवेज पे, तभी हम सुने हैं कि 11 बजे से 5 बजे तक लॉकडाउन हो गया है, तो फिर हमको लेट तो हो ही गया है। अच्छा, आपको जानकारी नहीं थी? लेकिन आपने मास्क भी नहीं लगाया? अरे, तब जानकारी नहीं थी भैया, इसीलिए। चलिए, देखिए, कुछ लोग, बहुत से लोग हैं जिनको अभी पता ही नहीं है कि ओमिक्रॉन के तीसरे वेरिएंट को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, तो इस वजह से लोग अभी भी सड़कों पर निकल रहे हैं। लेकिन ज़रूरत यह है कि जिला प्रशासन इन्हें जागरूक करे और एक जो अनाउंसमेंट की प्रक्रिया है उसको तेज करे, और सिर्फ कुछ जगहों पे अनाउंसमेंट करके, या फिर दुकानें अगर बंद हो गई तो वो जो पुलिस प्रशासन है वो जाके फिर अपना काम बंद ना करे। तो आप देख सकते हैं कि अभी काफ़ी लोग हमको सड़कों पे दिखे हैं, जो बिना मास्क के घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हमें मिले जो बिना काम के सड़कों पर दिख रहे हैं। रात्रिकालीन कर्फ्यू को लेकर जिला प्रशासन कितना मुस्तैद है, अब हम बात करने के लिए हमारे साथ गांधीनगर के चौकी चाय मनीष जी हैं। और ये बताइए, किस तरीके से आपने अभी तक लोगों को जागरूक किया है? 11 बजे से थोड़ा सा समय अधिक हो गया है, लेकिन फिर भी हमको सड़कों पर कुछ लोग दिख रहे हैं। अभी कर्फ्यू का पहला दिन है और प्रचार प्रसार किया जा रहा है अनाउंसमेंट के माध्यम से, अपने लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंस करके उनको बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन का जो ये थर्ड वेरिएंट वायरस है, ये इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है, और इसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है कि रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है, इसका पालन करें लोग, रात में अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, जानकारी ही बचाव है। और रात्रि में अगर घर पे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और लोगों को भी जो है इस बीमारी के प्रकोप से बचाएंगे। तो क्या अभी तक आपको लगा कि लोगों ने पालन किया, या फिर लोगों को अभी पता नहीं है कि रात 11 बजे से कर्फ्यू लग रहा है आज से, इस वजह से लोग निकल रहे हैं? तो आप खुद भी देख सकते हैं, ज़्यादातर लोगों को अभी पता नहीं है। हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं। उम्मीद है कि एक दो दिन में लोगों को जितने लोग हैं सब तक ये जानकारी पहुँच जाएगी और लोग सहयोग करेंगे इसमें। आप किस माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? अपना हम लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बता रहे हैं सबको, और हमारे यहाँ पीए सिस्टम है, पब्लिक अनाउंस सिस्टम, उसके माध्यम से हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, सूचना सब तक पहुँचे। तो
तो देखिए बस्ती जो पुलिस है वो अनाउंसमेंट के माध्यम से अभी फिलहाल लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन अभी लोगों काफ़ी लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि रात 11 बजे से कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है, सरकार ने रात 11 बजे से कर्फ्यू लगा दिया है। तो अब धीरे धीरे लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, खुद भी जागरूक होना पड़ेगा और स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी उन्हें जागरूक करेगी ताकि वो मास्क लगाएं और 11 बजे रात जो कर्फ्यू का नियम है उसका पालन करें। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।